नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है करियर बिट की इस फैमिली में। उत्तर प्रदेश में जारी 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में बीएड की वैलिडिटी को लेकर के उत्तर प्रदेश शासन की कैबिनेट के द्वारा दिनांक 11 जून 2019 को अध्यापक सेवा नियमावली 1981 की परिशिष्ट में विभिन्न बदलाव करते हुए बीएड को सुरक्षित करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, क्या जुलाई 2019 की दूसरे सप्ताह में माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच में बीएड मुद्दे पर होने वाली सुनवाई इन सभी से प्रभावित होगी? इन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं। तो यदि आप भी इन सभी मुद्दों से प्रभावित हो रहे हैं तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को बिना स्किप किए हुए बने रहें करियर बिट के इस चैनल पर। दोस्तों, अध्यापक सेवा नियमावली के विभिन्न परिशिष्ट में जहाँ अभी प्राथमिक में केवल बीटीसी मान्यता दी गई थी, वहाँ पर अभी बीएड को इंक्लूड नहीं किया गया था। हालांकि उत्तर प्रदेश में अध्यापक सेवा नियमावली के 24वें संशोधन के अनुसार ही बीएड को मान्यता दे दी गई थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन विभिन्न परिशिष्ट में अभी बीएड को मेंशन नहीं किया गया था और इसी को आधार बनाते हुए बीएड को प्राथमिक से बाहर करने के लिए माननीय लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में याचिका डाली गई थी, जिसकी सुनवाई जुलाई के दूसरे सप्ताह में होने वाली है। दोस्तों, अब चूंकि ये सभी परिशिष्ट में बीएड मेंशन नहीं था तो इसी परिशिष्ट में बीएड को शामिल किया गया है, जो कि कल दिनांक 11 जून 2019 को किया गया है। दोस्तों, इसी के संदर्भ में विभिन्न आर्टिकल्स भी आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इससे बीएड का क्या कुछ होने वाला है। तो मैं आप लोग को बता दूं कि निश्चित तौर पर शासन की तरफ से और भी ज़्यादा मजबूती दिखाई गई है बीएड को 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में और भविष्य में प्राथमिक में होने वाली चयन प्रक्रियाओं की भर्ती में सुनिश्चित करने के लिए। लेकिन 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में जो याचिका डाली गई है बीएड मुद्दे पर, उसमें मेन आधार यही बनाया गया है कि चूंकि इसमें जो संशोधन किया गया है अध्यापक सेवा नियमावली 1981 में, वह इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करने के बाद किया गया है। और चूंकि ये परिशिष्ट में जो संशोधन किया गया है यह भी बाद में किया गया है, और उत्तर प्रदेश शासन को भी जुलाई के दूसरे सप्ताह में लखनऊ खंडपीठ की डबल बेंच में अपना एंसन का काउंटर फाइल करना है, तो उसमें भी निश्चित तौर पर शासन से ये जरूर पूछा जाएगा माननीय कोर्ट में कि आप चयन प्रक्रिया के बाद या फिर खेल के बीच में कैसे नियम को चेंज कर सकते हैं या फिर अध्यापक सेवा नियमावली को संशोधित कर सकते हैं। दोस्तों, ये सभी सवाल निश्चित तौर पर परेशान करने वाले हो सकते हैं शासन के लिए, और क्या कुछ सोचना है आप लोगों का कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए बने रहें करियर बिट के इस चैनल के साथ। धन्यवाद।